उपचुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप इन्हें देने के लिए प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी पहले से कर चुकी हैं, और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक भी कर चुका है। नई गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये नई गाइडलाइंस क्या है, रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में एलनवा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। वहीं प्रशासन और राज्य चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुराग अग्रवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के जरिए तमाम पार्टियों को बताया गया कि चुनाव को लेकर इस बार नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार इस बार 48 घंटे के बजाय 72 घंटे पहले ही थम जाएगा। हालांकि डोर टू डोर प्रचार के लिए 2 दिन मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्याशी अपने साथ भीड़ लेकर चल नहीं पाएंगे। मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर रहने वाले नेताओं वर्करों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इनके अलावा चुनावी ड्यूटी पर रहने वाले स्टाफ के लिए भी ये नियम लागू होगा। चुनाव को लेकर होने वाली राजनीतिक बैठकों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगर ये बैठकें इंडोर में होती हैं, तो इसकी क्षमता के 30% या अधिकतम 200 लोगों को ही जुटने की अनुमति दी गई है। ओपन ग्राउंड में 50% या अधिकतम 500 लोगों के जुटने की इजाजत दी गई है। साथ ही चुनावी रैलियों को लेकर प्रशासन की तरफ से की जाने वाली बैरिकेडिंग का खर्चा उम्मीदवार या पार्टी को ही वहन करना होगा। उपचुनाव के दौरान रोड शो, मोटरसाइकिल, साइकिल या कार रैली की अनुमति नहीं दी गई है। नुक्कड़ सभाओं में अधिकतम 50 लोगों के इकट्ठा होने की ही अनुमति रहेगी। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या भी इस बार घटा दी है। इस बार अधिकतम 20 ही स्टार प्रचारक पार्टियां बना सकेंगी। गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 10 तय की गई है। साथ ही इन स्टार प्रचारकों की चुनावी रैली में अधिकतम 1000 लोगों के जुटने की इजाजत दी गई है। हालांकि चुनाव खर्च की लिमिट इस बार 10% बढ़ा दी गई है। अब अधिकतम 30,80,000 तक प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। अगर उम्मीदवार पर किसी तरह का क्रिमिनल केस होगा तो उसका ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही ईवीएम मशीन पर प्रत्याशी के नाम के साथ उसका फोटो भी लगा होगा। वहीं सिरसा पुलिस की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बॉर्डर पर नाकेबंदी कड़ी रहेगी। बिल्कुल सजग हैं, सतर्क हैं हम लोग। सारे SHOs की मीटिंग हो चुकी है, सारे DSPs की मीटिंग हो चुकी है जो एलनाबाद क्षेत्र के हैं। शीघ्र ही हम लोग राजस्थान के साथ भी मीटिंग करेंगे, और अभी SHO लेवल पे DSP की DSP से, मेरी स्वयं हनुमानगढ़ SP से भी बात हो रही है ताकि इंटरस्टेट कोई इशू ना आए। तो एक बार जैसे ही असेसमेंट हो जाता है उस हिसाब से हम अपना फोर्स डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाएंगे। कोरोना काल में ही ये उपचुनाव होने जा रहा है, और ये तमाम गाइडलाइंस रहेंगी जिनका पालन पार्टियों के साथ साथ उम्मीदवारों को करना जरूरी होगा। अनिल मोर के साथ नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।